जत को जोहार गई तिहे ना बिटेन शकुंतला ने पिया और अशोक ने अपे पुरु पे नपाय के तबना नपाय के तहन तो उन पे इन हम पूरा नपाय के नहीं है और तिहे तो उनका बिटेन ने गोका तबना मी जगह नेता को सेटेर करना और उन्हें अब संतर समाज रहे हो पूरा हंडी पौरा ते अखरी कते उन्हें को इन्हें जाऊं करना उसको रस्क करना अत नुका तो चिदा ही करना आतो टोला करे तो इन्हें रस्क से इन्हें सिरिंग बांग ही कंतो पिया तो ना इतने अंडे टका पैसा एम करते कोई दी होगा प्यार अंडे पूरा पे रस्क करना तो लपड़ा करे तो वापस रस्क करना दिक्कु पुसी समारे पुनो पे दौन कुचुड़े किनार पे खेंचे रहते पे रस्क करना अंडे चला जाता ऊपर एक उन्हें दाल पे लीला तबना से उन्हें दाल पे बुका तबना टका पैसा तपे खरीनो कना नोआ दो ओकार कन दिकुपुसी समार पुरो पे दोन पुछुले कना अर खेंजर तपे एने कना चला जा बपे एक होए कना ए बुका संतार समाज रेन होड़ कना बोन अर दिकुपुसी समार नुकान कुचुड़ते एने आ खेंचेर आते चला जा दो बपे एक होए कना अपे आ सोनमान की चो चबाक कान तद टका पैसा ते आलू पे बुलो तबुना से आलू पे अखरिए तबुना हंडी पौरे को ते आलू पे अखरिए तबुना चिदा जागे को न्यू चुके पेगी आर कोई दिख के पेगी आर उन्हें पूरे दौर को चोड़ खेंचे रहते पे नहीं कना चे लजा दो पे क्यों दा टका पैसा हंडी पौरे ते आलू पे अखरिए तबुना आर दिखो पुसी समारे नौका दौन को चोड़ खेंचे रहते आलू पे नहीं आ चीदा आते दिखो पुसी अब को लंदा बोना संतर समाज रे होड़ पूरा हंडी पौरते अखरियो कना अदो उना येते दिखो पुसी समार रे नोका खेंचे रहते आते एनिया से नोका टका पैसा ते अलपे अखरियो तबोना और मी दिन हिलो टका पैसा ते को इदिए पिया मेनखान मी दिन हिलो अब होड़ होपोंगी अब गी को लड़ाई चोकना नोआ दो लुतुरे रेपे दो का जब से यहां जेएमएम और कांग्रेस की परिवारवादी भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है तब से स्थितियां बहुत बिगड़ी है। जेएमएम का मतलब हो गया है जम करके खाओ। साथियों, झारखंड में तेज विकास के लिए ये जरूरी है कि हां कानून व्यवस्था अच्छी हो, शासन प्रशासन ईमानदार हो, लेकिन जब से यहां जेएमएम और कांग्रेस की परिवारवादी भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है तब से स्थितियां बहुत बिगड़ी है। जेएमएम का मतलब हो गया है जम करके खाओ। झारखंड में रंगदारी बढ़ती ही जा रही है। तुष्टीकरण के चलते घुसपैठ बढ़ती जा रही है और यहां जेएमएम कांग्रेस के नेताओं का एक ही काम रह गया है, अपनी तिजोरियां भरने का। इन लोगों ने झारखंड की जनता को लूटकर, आपको लूटकर, आपके पसीने की कमाई को लूटकर अपने लिए बेनामी संपत्तियों के
पहाड़ बना लिए हैं। आपने देखी है ना यहां किस तरह नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। मैंने तो अपनी आंखों से कभी नोटों के ऐसे ढेर देखे ही नहीं है। पहली बार टीवी पे देखा, क्या झारखंड कमाल कर रहा है। कोयले के ढेर तो देखे थे, नोटों के ढेर देख रहे हैं। और अभी बाबूलाल ने तो बढ़िया वर्णन किया है इसका। भाइयों बहनों, ये आपका पैसा है, ये झारखंड के गरीब आदिवासियों का पैसा है, ये आपका पैसा है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए पैसा था, इसे लूट लिया गया है। क्या आप ऐसे लोगों को माफ करोगे? ऐसे लोगों को माफ करोगे? क्या ऐसी बेईमानी झारखंड में चलने दोगे? क्या आपका रुपया कोई लूट ले आपको मंजूर है? ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उनकी जिंदगी जेलों में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? जो जनता का लूटा है वो लौटाना पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, जब मोदी ऐसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लेता है तब ये लोग तरह तरह के बहाने बताते हैं। ये लोग जांच से भाग रहे हैं, क्योंकि लोग अपने कारनामे जानते हैं। जेएमएम और कांग्रेस ने आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक ही समझा है। झारखंड में इतने जनजातीय परिवार है, इतने प्रतिभाशाली नौजवान है, ये लोग उनको कभी आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि परिवारवादी अपने ही परिवार की सोचते हैं, जबकि मोदी जो भी कर रहा है वो आपके भविष्य के लिए कर रहा है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए कर रहा है। आप मुझे बताइए, ये जेएमएम को चलाने वाले जो लोग हैं एक ही परिवार के है कि नहीं है? एक ही परिवार के है कि नहीं है? वो अपने बच्चों का भला करेंगे कि आपके बच्चों का भला करेंगे? उनको अपने बच्चों की चिंता है कि आपके बच्चों की चिंता है? ये मोदी है, आप ही मेरे परिवारजन है, आपके बच्चों का भविष्य ये हमारी गारंटी है। साथियों, धनबाद और आसपास का ये क्षेत्र उद्यमियों और श्रमिकों का क्षेत्र है, लेकिन मोदी आपके लिए जो भी योजना बनाता है ये इंडी गठबंधन वाले उसका विरोध करते हैं या फिर उसमें अड़ंगे डालते हैं। कोरोना काल में हमने मुफ्त राशन की योजना शुरू की, लेकिन इंडी गठबंधन के लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं। इंडी गठबंधन वाले चाहते हैं कि मुफ्त अनाज देने वाली योजना बंद कर दी जाए। आप मुझे बताइए भाई, गरीब के घर का चूल्हा जलता रहना चाहिए कि नहीं? आप मुझे बताइए, चूल्हा जलता रहना चाहिए कि नहीं? आप मुझे बताइए, गरीब का बच्चा पेट भरने के बाद ही सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए? क्या गरीब की सेवा मोदी को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए?
ये इंडी गठबंधन वाले कितना ही दबाव बना ले, लेकिन ये मोदी न झुकने वाला है न हटने वाला है। ये मुफ्त अनाज वाली जो गरीबों की योजना है ना, वो मोदी चालू रखेगा, आगे भी चालू रखेगा, ताकि गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे। साथियों, यहां झारखंड के अनेक भाई बहन दूसरे राज्यों में काम के लिए जाते हैं। मेरे यहां गुजरात में तो मेरा बहुत लोगों से मिलना होता था। मैं कभी सीमा पर जाता हूं तो वहां पर भी काम करने वालों में मुझे मेरे झारखंड के भाई बहन मिल जाते हैं। ऐसे साथियों को, उनको भी जहां हो वहां मुफ्त राशन मिलता रहे, हमने इसका भी इंतजाम किया। हमने एक देश एक राशन कार्ड योजना बनाई। अब मेरे मजदूर साथियों को किसी नई जगह पर जाने पर नया राशन कार्ड नहीं बनाना पड़ता। साथियों, भारत को विकसित बनाने में नारी शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। और मैं देख रहा था, जब मैं खुली जीप में आ रहा था, जितनी मात्रा में माताएं बहनें आशीर्वाद दे रही थी, यह अद्भुत दृश्य था। इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों का आना, वो भी अभी तो खाना खाना या पकाने का टाइम होता है, तब आकर के मोदी को आशीर्वाद देने के लिए आ जाएं, ये कितना बड़ा प्यार है। साथियों, ये माताओं बहनों की सेवा बीते 10 वर्षों में टॉयलेट हो, गैस कनेक्शन हो, बहनों की ऐसी अनेक समस्याओं का समाधान भाजपा ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों को बहुत सस्ता गैस सिलेंडर भी भाजपा सरकार ही दे रही है। अब मोदी पानी की समस्या का समाधान करने में जुटा है, लेकिन यहां इंडी गठबंधन की सरकार इस काम को भी रोक रही है। इतने साल बाद भी झारखंड में जल जीवन मिशन का करीब करीब 50% काम पूरा नहीं हो पाया है। झारखंड की इंडी गठबंधन की सरकार यहां गरीबों के पक्के घर बनाने में भी रोड़े अटका रही है। और अभी बाबूलाल जी ने बताया, उसमें भी मलाई खा जाते हैं। साथियों, इंडी गठबंधन की सरकार विकास विरोधी है, जनता विरोधी है। ये लोग जनता का हक छीनकर सरकार में मौज करने के सिवाय उनके पास कोई विजन नहीं है। जबकि मोदी की कोशिश है कि आपका अधिकार सीधे सीधा आपको मिले। आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज होता है तो सीधा पैसा अस्पताल को पहुंच जाता है। पीएम किसान सम्मान निधि सीधे मेरे किसानों के बैंक खाते में पहुंच जाते हैं। एससी एसटी समाज के विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट की कंपनी नहीं, कोई मलाई खाने वाला नहीं, सीधे सबके बैंक खाते में पैसे पहुंच जाते हैं। मनरेगा की मजदूरी सीधी बैंक खाते में आती है। गैस सिलेंडर की सब्सिडी सीधी बैंक खाते में आती है। मोदी के ऐसे ही कामों ने इंडी गठबंधन के बिचौलियों का कमीशन बंद कर दिया है। अब मुझे बताइए, जिनके ये कमीशन बंद हो गए हैं तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे, देंगे कि नहीं देंगे, मोदी पर गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे,
भांति भांति का झूठ फैलाएंगे कि नहीं फैलाएंगे? पानी पी पी करके गालियां देते हैं, लेकिन उनकी एक भी गाली मुझ तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि आपके आशीर्वाद की इतनी मजबूत दीवार है कि एक भी गाली मुझ तक नहीं पहुंचने देती है। और इसलिए मैं आपको नमन करता हूं। और भाइयों बहनों, मेरा पक्का विश्वास है, मेरा इस देश की जनता पर विश्वास है, इस देश के गांव गरीब किसान पर विश्वास है, इस देश की माताओं बहनों नौजवान पर विश्वास है। और मेरा विश्वास है कि लोग जितना कीचड़ उछालेंगे, जितना ज्यादा कीचड़ उछालेंगे, उतने ही ज्यादा कमल खिलेंगे। साथियों, आदिवासी कल्याण और आदिवासी समाज की भागीदारी को बढ़ाना भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो अलग झारखंड राज्य का निर्माण ही है। ये भाजपा ही है जिसने अलग व आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया। रोजगार देने की गारंटी मोदी जी की है और आज हमें करने की खुशी हो रही है। आज लाखों गांव हमारे, और बीते 10 वर्ष में इसके बजट में 5 गुना बढ़ोतरी की। आदिवासी समाज में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों की पहली बार सूद लेने वाली कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम भाजपा है। मैंने झारखंड से ही इन जनजातियों के विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना शुरू की थी। इसके तहत आदिवासी परिवारों के घर बन रहे हैं, दूसरी सुविधाएं बन रही हैं, रोजगार के साधन बन रहे हैं। इसका लाभ हमारे झारखंड की बैगा, बिरहौर, बिरजिया, कोरवा, परैया, सवारा, ऐसी छोटी 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 आखिरी छोर पर बैठी हुई मेरे जनजातीय भाई बहनों को इसका लाभ मिल रहा है। ये भाजपा सरकार ही है जिसने भगवान बिरसा मुंडा का संग्रहालय बनाया, उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। साथियों, हर गरीब का सपना ही, और आप लिख लीजिए, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मैं खुद दिन रात इसलिए खपा रहा हूं ताकि देश में गरीबों की मुश्किलें कम हैं, जितनी कम हो मैं उसके लिए कुछ न कुछ करता रहूं। मेरे देश के गरीब गरीबी से जल्दी बाहर निकले। बीते 10 साल में देश में 25 करोड़ गरीब गरीबी से बाहर आए हैं। जब उन 25 करोड़ भारतीयों की गरीबी दूर हो सकती है तो जो अभी भी गरीबी में जी रहा है, मोदी पे भरोसा कीजिए, आपकी गरीबी भी जाएगी। मोदी का संकल्प है विकसित भारत के लिए विकसित झारखंड। आप लोग यहां से जाएंगे तो मेरा एक काम करेंगे, ऐसा नहीं हाथ ऊपर करके बताइए तो मानूं, मेरा काम करेंगे, पक्का करेंगे। यहां से जाने के बाद अपने घर के आसपास, गांव में, मोहल्ले में जो भी लोग हैं उनके पास जाइएगा, जो आज रैली में नहीं आ पाए उनके पास जरूर जाइएगा और उनसे कहिएगा कि मोदी जी धनबाद आए थे। मोदी ने आपको प्रणाम कहा है, मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, हर घर में प्रणाम पहुंचा देंगे,
एक बार फिर आप सभी का इतनी विशाल संख्या में आने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं विशेष रूप से जो धूप में तप रहे हैं ना, उनको फिर से वह एक बार धन्यवाद करता हूं। मैं देख रहा हूं एक भी व्यक्ति वहां से हटा नहीं है। क्या प्यार है आपका, क्या आशीर्वाद है आपके, ये कभी भूल नहीं सकता हूं भाइयों बहनों, कभी भूल नहीं सकता हूं। आप इस धूप में तप रहे हैं मोदी को आशीर्वाद देने के लिए, जिंदगी में इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होता है। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, दोनों हाथ ऊपर करके ऐसी ताकत लगाइए, भारत माता की, भारत माता की। जेलों में भी गूंज सुनाई देनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नवा वीडियो पसंद पे नियर किता और जागे टका पैसा ते अलग पे इतनी तबुना जिधा आते पूरा दिक्कत से समारे दोन कुचोड़ खेंचरत पे ऐने करना आदो नवा दवाई सुवार करना और जागे थोड़ा थोड़ी एम कते पूरा गणी लिखा पे दोन बढ़ाए करना आदो नवा दो मिड टाइम संताल समाज रहा सोनमान दिकु पुसी समारे नुका बाय सुभाग ना जिदा आते टका पैसा ते से हंडी पर रहते अलग पे खनी है तबुना बुझाव तबुन पे रिस्क पे आतुरे रिस्क पे से टोला पड़ा रहे रिस्क पे मेन खान नुका दिकु पुसी समारे अलग पे रिस्क तबुना पूरा अबो संताल समाज रहा मानिजित जो तो चबा करना अब जलते उनको को लंदाई करना चिदा ऐते अब तो जाके टका पैसा मार मिया और उनको समग्र पूरे गणे लिखा दोन में फंदाई में अदर नुका तो भाई सुबह करना ठीक या वीडियो अट अड़ी चिलिया कर दबना अदर ढेर खा ढेर कौम कथा ते बुझा तो उनपे नुका जमन आलो हुई हो चिदा ऐते अब को जलते दिखो पुसी पूरा को लंदा बुना से को लंदाए करना और हंडी पौरत है से टका पैसा ते आलोप ऐसे जो तबुना निया की इन मैंने करना और ठीक या वीडियो एडिट जिलियों का तबुना निया को मैंने कहते नैने की मुझे करना तबुना वीडियो ठीक या नो वीडियो ऐसा कम चेह भी नहीं तबुन पे और बुगी बड़ी कमेंट बॉक्स रे कमेंट तबुन पे और अपने को यहाँ चैनल पे नवा गया सब्सक्राइब करा का पे किला आप पे कभी आप लोगों का भी नवा नवा वीडियो नहीं बनी तो अपने जब तक तीन या वीडियो रे इनसे खोए जहाँ भी